राहुल गांधी, उनकी छवि को खराब करने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है, खासतौर पर सीधा निशाना बीजेपी उनके सहयोगी दलों पर भी था। क्या कहना है आपका इस बारे में? मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को और सभी मीडिया बंधुओं को, सभी को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो 500 साल से जो हम इंतजार कर रहे थे अयोध्या में रामलला मंदिर, आज पहली दीपावली रामलला के मंदिर में मनेगी। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहेंगे हमारे यशस्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि आज रामलला का मंदिर में कल दीपावली मनेगी। और आपने कहा वायनाड के बारे में, तो प्रियंका गांधी के बारे में, तो मैं उनके बारे में क्या कहूँ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह से देश की छवि बना रहे हैं, एक सम्मानजनक तरीके से हर काम कर रहे हैं, ये देश की छवि बिगाड़ने का काम तो कौन कौन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो तो उनसे पूछा जाए, क्योंकि हमारा काम भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नीति और राष्ट्र हित के लिए है और संस्कारों की पार्टी है और हमारे राष्ट्र में एक संस्कारवान राष्ट्र हित और राष्ट्र नीति की बात होनी चाहिए। इसलिए हमारा काम है देश का मान और सम्मान बढ़ाना। अब छवि खराब कौन कर रहे हैं ये जवाब आप उनसे पूछे। डिप्टी सीएम साहब, एक तो मेरा सवाल था, आपकी सरकार ने एक आदेश निकाला है गौ माता को लेकर कि जो सड़कों पे गौ वंश घूमता है उनको आवारा ना कहकर निराश्रित कहा जाए, उसको लेकर भी सवाल कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं कि गाय के नाम पर बीजेपी राजनीति। देखो, इसमें कांग्रेस नहीं उठाने चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि गाय हमारी पूजनीय है, गाय को हम सब गौ माता के नाम से और उसको सम्मानजनक तरीके से हम पूजते हैं। इसलिए हमारा धर्म बनता है कि हम गाय की माता की पूजा करें और गाय पे राजनीति नहीं करें, क्योंकि ये गौ माता सबके लिए है और सब मान सम्मान से इसको पूजनीय मानना चाहिए।